मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज यानी 6 सितंबर का जो टारगेट ऑफ डे है वो आपको लुसेंट में हीट अर्थात उष्मा जो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत आता है उस पूरा को कर लेना है। ठीक, 13 नंबर टॉपिक है हीट अर्थात उष्मा, और इससे संबंधित घटना चक्र में आप लोग जाके टॉपिक खोज के पढ़ लीजिएगा जो टॉपिक होगा उसको। और इतिहास के लिए हम सोचे हैं कि कल से एंसेंट शुरू किया जाएगा, और अभी क्या किया जाए थोड़ा सा प्रेशर आप लोग को देते हुए पूरा मतलब मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत को रिवीजन के टारगेट पर रखा जाए, क्विक रिवीजन किया जाए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना बार बार। तो फिर वहीं मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एसके पांडे प्लस लुसेंट दोनों को रिवीजन करना है और घटना चक्र बनाते रहना है। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं यहाँ पे लुसेंट में आपको मेडिवल हिस्ट्री देखा जाएगा, और विजयनगर साम्राज्य जो है वो मेरे नोट से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सबके लिए नोट जरूरत नहीं है, घटना चक्र बना लीजिए। ठीक, अब किस बार केवल हम एथी का क्या कहते हैं आपको घटना चक्र बनाएंगे इतिहास का, इसके बाद में रेलवे और SSC का भी ऐड करेंगे घटना चक्र को, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन विविधता को लाना है ताकि आराम से इजीली कोई भी एग्जाम आप लोग कंप्लीट करें, केवल BPSC का प्री ही नहीं, समझे। एक ऐसा तैयारी का स्तर आपका रहे कि प्री चाहे कट ऑफ कितना भी जाए, सीट सह रहे 50 रहे 10 रहे 20 रहे, आप लोग प्री में रिजल्ट लाइए। उस स्तर के लिए आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, हम वही काम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में क्या करना है आप लोग को आज, तो आज हिस्ट्री में क्या करना है, मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों के आक्रमण से लेके आप लोग को कर लेना है खिजली वंश का पहले तक। ठीक, ज़्यादा नहीं है, कर लीजिएगा किसी तरह से, और घटना चक्र से इसको ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा PCS वाला। ठीक, कल से हम एंसेंट शुरू कर देंगे इसमें, आई रिवीजन के तौर पर चलते रहेगा। उसके बाद आप लोग दिसंबर का करंट पढ़ लीजिए लास्ट है, उसके बाद हम लोग मंथन और PD को रिवीजन किया जाएगा। PD 2 दिन में ख़त्म किया जाएगा उसके बाद, क्योंकि 3 दिन में ख़त्म ऑलरेडी पहले करते थे लोग, अब 2 दिन में करके जल्दी जल्दी PD एक बार और रिवीजन किया जाए। ठीक, टेस्ट भी इधर लेंगे, देख रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं करंट अफेयर का PD का। तो PD में आप लोग को दिसंबर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर चुके हैं, आर्थिक से लेकर नियुक्ति या पुरस्कार, आर्थिक नियुक्ति पुरस्कार कर लेना है, कल PD पुरस्कार हम डाल देंगे। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना है आप लोग को, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कल अपना नोट शेयर करेंगे, उसमें आपको पढ़ना है आपको उत्तरी अमेरिका, क्या पढ़ना है आप लोग को उत्तरी अमेरिका पढ़ना है। उत्तरी अमेरिका में शुरू से लेके आप लोग प्रमुख पठार के पहले तक पढ़ लीजिएगा, कहाँ तक पढ़ना है प्रमुख पठार के पहले तक पढ़ना है उत्तरी अमेरिका में शुरू से लेके। ठीक, उत्तरी अमेरिका आपको शुरू से लेके प्रमुख पठार के पहले तक पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक पढ़ लेना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे कल। तो आप लोग का विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद मेडिवल हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया, कल से एंसेंट इसमें ऐड होगा। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार स्पेशल का हम वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो बिहार स्पेशल जो है आप लोग को नोट अभी बना रहे हैं। ठीक, सोच रहे हैं कि खुद 10-20 मिनट का वीडियो डालने से अच्छा 2-4 दिन अटेंड करके, 1 या 2 दिन और लगेगा हमको, आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का नोट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा नोट बना रहे हैं, बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन उसमें से निकल जाए तो हमसे कहिएगा के। आप लोग ईमानदारी से बिहार स्पेशल अगर मतलब BPSC CDP देना चाहते हैं तो पढ़िएगा, आप लोग सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए, बिहार स्पेशल हम बोले हैं तो CDP को पहले अपना नोट मतलब बना के और उसको पढ़ा देंगे, चाहे इकोनॉमिक्स हो या आपको ज्योग्राफी हो या इतिहास हो बिहार स्पेशल का। ठीक, करेंट अफेयर आराम से हो जाएगा, सब कुछ सिलेबस खत्म होगा टाइम पे। ठीक, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अब थोड़ा सा लोड पड़ रहे हैं, लोड को ध्यान देते हुए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और कल हम टेस्ट लेते हैं 9:50 में, तो आप लोग सब लोग ईमानदारी से आइए लोग। ठीक, टेस्ट 70-80 आदमी बनाता है, ये गलत बात है, तो आप लोग जुड़े हैं मेरे ग्रुप में क्यों, कोई उद्देश्य होगा तो उद्देश्य है तो आप लोग टेस्ट बनेंगे डेली के डेली। चलिए ठीक है, तो गुड नाइट।